मगर इंग्लिश के हसमुख है चंचल है, कैसे सुलझेगी ट्रबल उनसे जो खुद ही ट्रबल है। रीमा रोमा निखिल अखिल लगते जो तोता मैना, सारे एक स्वर में कहते बात हौसले की करते हैं, रहते बहुत पत्त हैं, जितने व्यक्त दिखाई देते उतने अस्त व्यक्त हैं, अपने जाले खुद बुनते हैं मकड़ी से कम है ना, फिर भी सबसे यही बोलते अरे हेलो ही बोल रहा हूँ। हाँ वो बड़ा पाव खा रहा हूँ ना इसलिए। हाँ बोलो क्या बात हुई, क्या 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 जब जब चल मैं शूटर्स के ऑफिस खोल लिया। और अब इस प्रोफेशन को भी लीगल बनाने की कोशिश की जा रही है। आई नो एवरीथिंग। तुम एड्रेस बोलो कहाँ है। जानकी देवी कोली वाला बस अभी दो मिनट में पहुंचते। पांडव रंगा कम ऑन कम ऑन। जय हिंद सर जी। जय हिंद जय हिंद। रंगा कहाँ है। सर जी वो अंदर बैठा बर्गर खा रहा है। बर्गर ठीक है चलो जल्दी चलो, शहर में शूटर्स ने ऑफिस खोल लिया। कम ऑन। आपको वहां जाने की क्या जरूरत है, वो यहीं पहुंचा देंगे ना। अबे बेवकूफ, हम हफ्ता वसूल करने नहीं जा रहे, हम उन्हें गिरफ्तार करने जा रहे। कम ऑन। ट्रबल शूटर कम ऑन कम ऑन। सर जी वो लिफ्ट से आ रहा है। Come on, follow me. सर जी सावधानी से चलिए, वो शूटर है हमें शूट भी कर सकते हैं। क्या क्या बात कर रहे हो तुम। आई नो एवरीथिंग। कम ऑन फॉलो मी। कॉल जो मैंने तुमसे बात कर रहा हूँ, यहाँ हाथ उठा के क्या खड़ी हो। कब से मैं कॉल कर रहा हूँ तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। हाथ नीचे करो। क्या तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूँ भाई, चढ़ को बोल रहा हूँ। अच्छा हाथ तो ऊपर करो। आप मुझसे कह रहे हैं क्या। तुमसे हाथ ऊपर करो। नहीं 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 आप गुदगुदी करेंगे। हाँ तुझे गुदगुदी करने वाले दिख रहे हैं। ये ड्रेस भी भाड़े की दिख रही है। नहीं भाड़े की तो नहीं लग रही है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब आप मेरी ऑफिस में यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आई डोंट नो यू नो शी ऑल्सो नॉट नो बट आई नो एवरीथिंग। हम इस ऑफिस में शूटर को ढूंढ रहे हैं। ओह शूटर। शूटर हमारी ऑफिस में शूटर है। कौन है शूटर कौन है। उसी का तो पता लगाना है कि वो
कहाँ है? तो तुम भी हो सकते हो। मैं? चुप! अपने ऑफिस के सभी मेन स्टाफ को लेकर कमरे में आओ। बाकी लोगों से पूछताछ मेरे हवलदार करेंगे। चलो सब अपने अपने काम पे लग जाओ। पांडुरंगा हाथ नीचे करो, ये लोग बेहोश हो जाएंगे। ऑफिस तो बहुत खूबसूरत बना है, क्यों पांडुरंगा? जी सर जी। रंगा कहाँ है? सर जी वो बाहर लड़कियों और औरतों की तलाशी लेके पूछताछ कर रहा है। ये गलत है, ये गलत। सर जी आप ही ने तो कहा था कि ऑफिस का मेन मेल स्टाफ अंदर लेके आओ, और ये रहा मेन मेल स्टाफ। नहीं जने चलेगा ऐसे। चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। चलो नाम क्या है? कृष्ण लक्ष्मी जाधव। कृष्ण मेरा नहीं, अपना नाम बताओ। मेरा नाम है विनोद काटकर। विनोद काटकर नहीं, विनोद लगाकर पूरा नाम बताओ अच्छे से। विनोद मेरा नाम है, काटकर मेरी सरनेम है। मालूम है? आई नो एवरीथिंग। क्या नाम है? सर विनोद काटकर। मैं उसका नहीं, आपका नाम पूछ रहा हूँ। रोमा सर। रोमा बहुत ही खूबसूरत नाम है। नो बहुत ही खूबसूरत। नाम क्या है? काम। तेरे सर आपने बुलवाया तो आप ही को पता होगा ना काम क्या है, मुझे कैसे पता होगा। भाई वो नाम पूछ रहे हैं, काम नहीं पूछ रहे हैं। तू प्लीज कान में मशीन लगा लिया मरवाएगा। सर आप देखिए। सर मैं बताता हूँ, इसका नाम निखिल है सर, मेरा नाम अखिल है सर, इसका नाम रीमा है सर, और इसका नाम रोमा है सर। अरे याद मुझे कुछ ज्यादा ही शाना लग रहा है, यही तो शूटर नहीं है। नो सर। हाँ सर जी ये शूटर नहीं हो सकता, ये तो मानव बम है। क्या कह रहे हो, तुम्हें कैसे मालूम? देखने में मानव जैसा लग रहा है और हालत बम जैसी है, कभी भी फट सकता है। क्या नाम क्या तो कह रहे थे तुम? कौन बोले तुम्हारे घर में क्या करते हो सब लोग? इधर आओ, कांटक बोले आप। फोन क्यों नहीं आया? क्या बात है, तुम अभी तक यहाँ चहलकदमी कर रही हो? तो क्या करूं, वो गाजियाबाद में मेरी कजिन की बेटी है ना सफी, उसको बच्चा होने वाला है और कोई खबर ही नहीं आई है। निशी उसका नाम, निशी उसका नाम शशि नहीं शशि है, शशि। हाँ वो ही तो कह रही हूँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैंने ही तो अपने नाम से उसका नाम रखा था, मैं निशी तो वो शशि। हे भगवान। लो आ गया फोन गाजियाबाद से। हेलो। हेलो। हाँ कितना टाइम लगा दिया फोन करने में, मैं कितनी परेशान थी। अच्छा ये बताओ बच्चे की डिलीवरी हो गई ना, माँ ठीक है? पूछ रही है बच्चे की डिलीवरी हो गई, माँ तो ठीक है ना? कुछ समझा? नहीं सर। अबे गधे बच्चे की डिलीवरी मतलब बॉम्ब, माँ मतलब बॉम्ब रखने वाला। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी हो गया, सब कुछ बराबर ठीक ठाक से हो गया। हाँ भगवान का शुक्र है। अच्छा सुनो गाजियाबाद में कुछ गोले भिजवा रही हूँ। गोले? हाँ सर्दियाँ आ रही है ना। पांडो हम तो शूटर ढूंढने निकले थे, ये तो टेररिस्ट हाथ लग गए रे। टेररिस्ट? तुम बच्चे हो टेररिस्ट के? नहीं 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 सर, सर हमारी केमिस्ट की तो दुकान ही नहीं है, फार्मास्यूटिकल्स की पापा की 3-4 फैक्ट्रीज है लेकिन केमिस्ट की कोई दुकान नहीं है सर। ओ तो फैक्ट्री की आड़ में बॉम्ब बनाने का शौक पालते हैं तुम लोग? हाँ तो है ही ऑब्वियसली। नहीं सर, सर देखिए सर ये ऊंचा सुनता है सर, प्लीज
इनके दोनों के चेहरे देखिए, ये आपको लगते हैं ये बम बनाने वाले हैं? मेरी शक्ल देखो, मैं लगता हूँ पर नहीं बनाता। और इन दोनों की शक्ल पे तो मुझे पहले से ही शक था। अब इनकी मम्मी ने सारी पोल भी खोल दी है। आई नो एवरीथिंग। अब इन लड़कियों की बारी। इन लोगों का आप क्या करेंगे? फोन। वैसे तो तुमसे पूछना बेकार है क्योंकि तुम हमेशा से ही टेंशन में रहते हो, लेकिन फिर भी आज किस बात की टेंशन है? अरे टेंशन नहीं करूं तो कहां करूं? वो यादव का बच्चा अभी तक गन्ने नहीं भेजा है। गन्ने? टेंशन तो इस तरह से कर रहे हो जैसे सोना नहीं आया। हाँ हाँ सोना ही है हमारे लिए, वो सोना ही है, उसी के बदौलत हमारी शुगर मिल चलती है। शुगर मिल गुड़ की भट्टी। तुमको तो मेरा हर काम छोटा लगता है। छोटा ही तो है। किटी पार्टी में मुझे औरतों को कहने से भी शर्म आती है कि मेरा पति गुड़ की भट्टी चलाता है। वैसे कुछ दिनों तक तुम गन्ने को गनवा कहते थे, याद है ना तुम्हें? हेलो। हाँ हेलो, यादव बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा है कि तुम फोन पे बोल रहे हो। अगर सामने बोल रहे होते ना तो तुम्हारी बोलती बंद कर देते हम। क्या मतलब? अरे मतलब क्या होता है, गनवा कहाँ है? गनवा क्या मेरे पास ही है? तुम्हारे पास? अरे तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अरे हम तुमको बोले थे ना कि आज शाम तक हमको एक ट्रक गनवा की डिलीवरी चाहिए। एक ट्रक गनवा की बात कर रहा है? ओ हे भगवान, मेरी ऑफिस में सब लोगों के रिश्तेदार अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। हेलो, कहाँ बगल में खुशफुस करता है, हमसे बात नहीं करता कहाँ? देखिए आप इतनी सारी गन्स का करेंगे क्या? गन्स? अरे अमेरिकन हो गया है क्या? अभी तक तो गन्नवा बोलता था। हाँ हाँ वो जो भी है, आप इन सब का करेंगे क्या? अरे करेंगे क्या, पूरे मोहल्ले बच्चों को बांट के डांडिया खेलेंगे। अरे बुढ़ बाप शुगर बनाने के लिए नहीं चाहिए क्या? और शाम तक एक ट्रक गन्नवा की डिलीवरी हमारी फैक्ट्री में हो जानी चाहिए, समझे? तो तेरा बाप हथियारों की स्मगलिंग करता है, ब्राउन शुगर बनाता है। सर जी मुझे लगता है इस रैकेट को पकड़ने के बाद आप इंस्पेक्टर से सीधे आईजी और मैं डीआईजी बन जाऊंगा। अच्छा नहीं लगेगा तू, सब कहेंगे डीआईजी पांडु है ना जी। इंस्पेक्टर साहब एक्सक्यूज मी, मैं कमिंग, मैं वहां आ सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब मैं एक खानदानी आदमी हूँ, देखिए मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड एकदम क्लियर है, इनके खानदान में जो हो रहा है ठीक है होने दो, लेकिन मैं तो एक खानदानी आदमी। खानदान पानदान पीक दान ज्यादा बकबक मत कर वरना तेरे खोपड़े का रोशनदान बना दूंगा, इस बात समझ पे? अरे भैया हमारे पूरे देश में आतंकवादी यूं ही फ्रीली घूमते हैं, आज तक आपने किसको फांसी पे लटकाया? अरे बहुत बहुत है पांडू यार, बहुत पका था ये, ज्यादा बकबक करे ना तो डंडे से काम ले। जी सर। मैं ऑफिस के बाकी लोगों को देखता हूँ। क्या नाम है? जी राजा राम। एक नाम बताओ, राजा या राम? जी राजा राम, पूरा नाम राजा राम। अच्छा तो डबल पर्सनैलिटी, मतलब राजा क्राइम करे तो राम का नाम ले लो, राम क्राइम करे तो राजा का नाम ले। नहीं साहब मैं शरीफ आदमी हूँ साहब। शरीफ आदमी? अच्छा, इस ऑफिस में काम करने वाले सभी शरीफ आदमियों का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड। नहीं साहब मैं इस ऑफिस में काम नहीं करता हूँ, मैं तो सप्लायर हूँ साहब। अच्छा सप्लायर? ओह यस। तो भाभी जी मायके जाएंगी ना तो बता देना, आपके यहाँ भी सप्लाई कर दूंगा। क्या 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 समझता क्या तू? मैं एक करेक्टर वाला आदमी हूँ, समझ रही बात? वर्दी के ऊपर मत जाओ। मैं भी कैटरिंग वाला आदमी हूँ, टिफिन सप्लाई करता हूँ। अच्छा तो टिफिन के अंदर तो बॉम्ब सप्लाई करते हो? नहीं साहब खाना है, खाना है। दिखाओ, खोल कर दिखाओ। दिखाता हूँ सर। अरे कैसे बम, कैसे सर? खाना है, करवा करो खाना से। ये देखिए जी सर जी, पकड़ो।
सर जी वो अंदर एसी रूम में बैठकर पूछताछ कर रहा है। पर आप डर के चिल्लाए क्यों थे? मैं डर कर नहीं चिल्लाया था, मैं गुस्से में चिल्लाया था। ये आदमी टिफिन में बॉम्ब रखा ले जा रहा है। अरे नहीं सर, लड्डू है साहब, लड्डू देखो ना, लड्डू दूर रखो। पांडू खाकर बताओ। सर जी अगर फट गया तो? अरे बिल्कुल, अगर ये फट गया तो हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। ये पर सर जी मैं तो आजाद हो जाऊंगा ना जिंदगी से। ड्यूटी पर अगर कोई शहीद हो जाता है तो अमर हो जाता है। सर जी मैं तो पांडु ही ठीक हूँ, मुझे नहीं अमर होना। खाओ। मैं तो जनाब पांडु ही ठीक हूँ। छोटे मैं छीका, क्या क्या हुआ? खाओ। ये तो लड्डू ही है। मैंने कहा था ना सब लड्डू है, आप खाइए ना। नहीं ठीक है, तुम निकलो। जी साहब। अच्छा लड्डू, थैंक यू साहब, लड्डू मैंने कहा था। हाँ पापा, यहाँ पर इतना कंफ्यूजन है ना, सब ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है ना। बच्चों बच्चों मेरी बात सुनो, मेरे बच्चों मेरी बात सुनो। देखो गुस्से में आकर मैंने कई बार तुम लोगों को डांटा है, फटकारा है, लेकिन मेरी बातों को बुरा मत मानना। मैं सॉरी कह देता हूँ, मेरी बातें जो है अपने माँ बाप तक नहीं पहुँचा। आप हमारे मम्मी पापा से डरते हैं? अरे डरते नहीं तो और क्या करते। जब से मुझे पता चला है कि वो टेररिस्ट हैं, आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तब से मेरी पूरी दुकान हिल गई। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ। सर वो उनका कंफ्यूजन है सर, उस इंस्पेक्टर को वैसे भी कुछ नहीं पता था। हमको सब पता है। Yes, sir, we know that you know everything, but one thing is that you don't know anything. What? सर मैंने ना अभी अभी अपने पापा से फोन पर बात की है, और जिसे आप गन्स समझ रहे थे वो एक्चुअली गन्स नहीं थी, वो तो गन्ने थे। इंस्पेक्टर साहब ये दोनों बच्चियां बिल्कुल सच बोल रही हैं। बात चाहे जो भी हो लेकिन ये तय है शूटर इस ऑफिस के अंदर ही है। ऐसा नहीं हो सकता सर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ये एकदम पक्की इंफॉर्मेशन है। और शूटर कितनी बड़ी हिम्मत, ऑफिस भी बना लिया उसने। हाँ। अरे ये मेरा ऑफिस है। क्या बता तू शूटर? सर सर सर, स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि हर बात पूरी तरह से सुननी चाहिए। यहाँ पर शूटर्स नहीं है, ये तो ट्रबल शूटर्स का ऑफिस है। वो क्या होता है? हम समझाते हैं, आइए बैठिए बैठिए सब प्लीज बैठिए। साहब के सामने बैठेगा तो उसमें क्या हुआ? उसमें क्या हुआ बोल रहा है सर, उसमें क्या हुआ? देखिए बात दरअसल ऐसी है कि आपकी अंग्रेजी जो है वो कमाल की है। यानी कि इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, बहुत घटिया है, इसलिए आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये माजरा क्या है। हम लोगों की कंपनी का नाम ट्रबल शूटर है, यानी कि हम लोगों की ट्रबल शूट करते हैं। कैसे? अब मैं बताता हूँ, आपकी ट्रबल पहले वहाँ शुरू हुई जब आपको पता चला कि आपके मोहल्ले में किसी शूटर ने ऑफिस खोली है, राइट? हाँ। और आपकी दूसरी ट्रबल ये थी कि आपको उस शूटर को ढूंढना था इस ऑफिस में आकर, राइट? हाँ। फिर हमसे मिलने के बाद आपकी ट्रबल और बढ़ गई। आपको लगा यहाँ पर टेररिस्ट क्रिमिनल है, राइट? हाँ। तू काहे को बोलता है? साहब तू है या ये है? हाँ, हाँ, हाँ,
अब हम आपकी ट्रबल शूट करने की तैयारी करते हैं, हैं? हमने आपको बताया कि वो गन्स की बात नहीं थी, गन्नों की बात थी, राइट? आपकी एक ट्रबल शूट हो गई। हाँ। फिर हमने आपको ये बताया कि वो गोलों की जो बात थी वो ऊन के गोलों की बात थी, बम के गोलों की बात नहीं थी। हाँ। तो इस तरह हमने आपकी सारी ट्रबल शूट कर दी अभी। हाँ, बढ़िया। सर क्या है ना, सीधी सी बात है, बस यही हमारा काम है सर, लोगों की ट्रबल को शूट करना, यानी कि लोगों की तकलीफों को दूर भगाना। अच्छा काम है, गुड नाइस। अच्छा कमाई वगैरह हो जाती होगी? कमाई सर, कमाई ही कमाई होती है, क्या ना सर, जिन लोगों की प्रॉब्लम हम दूर करते हैं वो लोग हमें फीस देते हैं। जैसे अभी आप दोगे। ओह यस, हाँ देंगे ना, देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं। भैया पुलिस वालों से पैसा लोगे, पैसे ट्रबल में आ जाओगे कि तुम सब मिल जाओगे ना, तो भी शूट नहीं कर पाओगे। नहीं, नहीं सर, माफ कीजिए, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। वो नहीं समझता है, वो नहीं जानता है कि शेर के मुंह से निवाला और अब इंस्पेक्टर के खींचे का ताला दोनों को हाथ नहीं लगाते हैं। दुनिया तो दुखड़ों की नदिया, सब डूबे मझधारे, एक हंसी की नाव मिले तो सुख के मिले किनारे, खाने को धोके ही धोके, खाने को धोके ही धोके, पीने को गम है ना, ऐसे में बस आओ गाए।